भोपाल में सूदखोरों से परेशान एक ही परिवार के 5 लोगों द्वारा उठाए गए खौफनाक कदम के एक दिन बाद सरकार ने पीड़ितों की सुध लेते हुए उन्हें राहत राशि पहुंचाई है। वहीं इस कांड के अगले दिन मृतकों की संख्या 3 हो गई है। उधर हादसे के बाद गोविंदपुरा विधायक कृष्णा गौर गायत्री हॉस्पिटल पहुंची, जहां उन्होंने जिंदगी और मौत से जूझ रहे घायलों का हालचाल जाना। भाजपा विधायक कृष्णा गौर ने सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को 2,00,000 रुपए की राहत राशि एसडीएम मनोज वर्मा के माध्यम से उपलब्ध कराई। इस मौके पर विधायक कृष्णा गौर ने कहा कि कल एक बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि एम चौहान को मामले से अवगत कराया गया था, जिसके बाद उन्होंने स्वयं 2,00,000 रुपए का चेक पीड़ितों को पहुंचाया है। साथ ही पीड़ित पति पत्नी को विश्वास दिलाया कि भविष्य में आपके साथ कोई अनहोनी नहीं होने दी जाएगी। सभा क्षेत्र के आनंद नगर में कल एक बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यजनक घटना घटी। एक परिवार के 5 सदस्यों ने जहर खाया, जिसमें से 3 सदस्य इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सुसाइड नोट के आधार पर यह पता चला कि इस परिवार पर कर्ज था और कर्ज के बोझ तले इस परिवार ने यह कदम उठाया। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जब मैंने यह बात रखी तो उन्होंने तत्काल परिवार को सहायता देते हुए 2,00,000 रुपए की राशि का चेक उन्हें उपलब्ध कराया है। आज मैं स्वयं आनंद नगर के गायत्री अस्पताल में परिवार के साथ मिली हूँ। जो बचे हुए हैं पति पत्नी, उन दोनों से और उन दोनों को विश्वास दिलाया है कि भविष्य में अब ऐसी कभी कोई गलती नहीं करना। बहुत बड़ी गलती उन्होंने की है, परिवार खत्म हो गया, पर इसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहृदयता दिखाते हुए उन्हें 2,00,000 रुपए का चेक तत्काल पहुंचाया है। आज एसडीएम साहब के साथ हमने उन्हें परिवार को ये चेक सौंपा है। वहीं इस मामले में पिपलानी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस नोट में लिखे अन्य नामों के व्यक्तियों को भी पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी में है। इनके सुसाइड नोट, बैंक डिक्लेरेशन और इनके द्वारा दिए गए कथन, सभी तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया 4 लोगों के खिलाफ नामजद अभी धारा 306 आईपीसी का केस रजिस्टर हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश ऋणी संरक्षण अधिनियम धारा का भी इसमें समावेश है। इसमें चारों महिलाएं हैं आरोपियां, और जिसमें एक जो बबली दुबे, उनकी बेटी रानी और 2 सगी बहनें हैं उर्मिला प्रमिला, जिनके द्वारा तत्कालिक इनको प्रताड़ना के जो तथ्य है और इनके जो सुसाइड नोट अन्य जो भी नाम आए हैं उन सबको विवेचना में शामिल किया गया है। जिसकी भी भूमिका इस तरह की पाई जाती है एवर्टमेंट टू सुसाइड के केस के लिए, तो साक्ष्य रूप उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की। इस समय जो पति और पत्नी ये दोनों संजीव यार्थ अर्चना दोनों इस समय जो डॉक्टर के हिसाब से खतरे से अभी बाहर बताए जा रहे हैं, ट्रीटमेंट जारी है और इसमें इनके द्वारा जो तथ्य जैसे बताए उनके तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने ये खौफनाक कदम उठाया था। शनिवार को इलाज के दौरान परिवार की 19 वर्षीय बड़ी बेटी गिरिश्मा की भी मौत हो गई है। जिंदगी और मौत से 24 घंटे लड़ने के बाद शनिवार को युवती की मौत हो गई। इस मामले में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मृदुभाषी के लिए भोपाल से मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।